हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइबर वर्ल्ड। दोस्तों, एमएस वर्ड की पिछले वीडियो में हमने आपको क्लिपबोर्ड, फॉन्ट और पैराग्राफ ब्लॉक के बारे में बताया था और साथ ही एमएस वर्ड का इंट्रोडक्शन और सारे शॉर्टकट कीज, एमएस वर्ड को किस प्रकार कई तरीकों से ओपन कर सकते हैं, इन सारे चीजों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। आज हम सीखने वाले हैं होम टैब के स्टाइल और एडिटिंग ब्लॉक के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हैं साइबर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल के बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, हम सीखते हैं होम टैब के स्टाइल और एडिटिंग ब्लॉक के बारे में। मैं एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए रन कमांड का यूज कर रहा हूं। आप एमएस वर्ड को बहुत तरीकों से ओपन कर सकते हैं। इसके लिए मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, जिस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक कर आसानी से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो हम एमएस वर्ड को ओपन कर लेते हैं। इसके लिए हम अपने कीबोर्ड से विंडो और आर बटन प्रेस करेंगे। जैसे ही विंडो आर प्रेस करते हैं, हमारे सामने रन का विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें आपको टाइप करना है विनवर्ड, और विनवर्ड टाइप करने के बाद आपको सिंपली अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस करना है या माउस के द्वारा ओके पर क्लिक करना है। और इस तरह से आप देख सकते हैं हमारे सामने एमएस वर्ड एप्लीकेशन ओपन हो गया है। इसके पिछले वीडियो में मैंने एमएस वर्ड का इंट्रोडक्शन, बेसिक जानकारी, क्लिपबोर्ड ब्लॉक, फॉन्ट ब्लॉक, पैराग्राफ ब्लॉक के बारे में बता दिया है। आज हम सीखेंगे स्टाइल और एडिटिंग ब्लॉक के बारे में। स्टाइल ब्लॉक का यूज करने के लिए आपको अपने इस डॉक्यूमेंट में कुछ वर्क करना होगा। इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक शॉर्टकट कमांड होता है, जिसके द्वारा आप आसानी से इस डॉक्यूमेंट में 3 पैराग्राफ टाइप कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपको इक्वल RAND और शिफ्ट के साथ 90 प्रेस करना है, जिससे ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट टाइप हो जाएगा। उसके बाद सिंपली आपको अपने कीबोर्ड से इंटर प्रेस कर देना है। और इस तरह से आप देख सकते हैं हमारे सामने 3 पैराग्राफ यहाँ पे फिल हो गए हैं। तो हम चलते हैं स्टाइल ब्लॉक की तरफ। स्टाइल ब्लॉक में जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे सामने बहुत सारे स्टाइल दिए गए हैं। इस ब्लॉक में जितने भी ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस के यूज के लिए आपको पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे टेक्स्ट सिलेक्ट कर लिया। इस ब्लॉक के हेल्प से आप लिखे गए टेक्स्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे अभी हमारा नॉर्मल स्टाइल है। उसके बाद हम जैसे ही इस पर नो स्पेसिंग, हेडलाइन, इसी तरह आप जिस भी स्टाइल में अपने फॉन्ट को करना चाहते हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। स्टाइल ब्लॉक में आपको यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन बटन दिखेगा। इसमें आपको और भी बहुत सारे स्टाइल शो करेंगे। मैं यहाँ पर इस स्टाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं इसे नॉर्मल करना, सबसे पहले आपको इन सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है और स्टाइल के ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग लिखा हुआ है। आप सिंपली इस पर माउस का लेफ्ट की प्रेस करते हैं, और जैसे ही माउस का लेफ्ट की प्रेस करते हैं, आपके सामने ये स्टाइल क्या हुआ क्लियर हो जाता है। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है चेंज स्टाइल। चेंज स्टाइल के ड्रॉप डाउन बटन पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपके सामने यहाँ पर 3 ऑप्शन शो कर रहे हैं, स्टाइल सेट, कलर और फॉन्ट। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इन ऑप्शन से आप अपने टेक्स्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। स्टाइल सेट, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर टेक्स्ट सिलेक्ट किया और उसके बाद जैसे ही मैं स्टाइल सेट के ऑप्शन पर माउस के कर्सर को ले जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं हमारा लिखा हुआ टेक्स्ट का स्टाइल चेंज हो रहा है। उसी तरह अगर आप अपने टेक्स्ट के कलर को चेंज करना चाहते हैं, तो सिंपली आपको कलर्स पर क्लिक करना है और उसके बाद जिस भी कलर में आप अपने टेक्स्ट को करना चाहते हैं, आप यहां से आसानी से कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है फॉन्ट। इस ऑप्शन की यूज से आप अपने लिखे गए टेक्स्ट के फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज हो रहा है। इस तरह से आपने सीखा स्टाइल ब्लॉक के सारे ऑप्शन एंड कमांड्स के बारे में। आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आप तक। हमारा नेक्स्ट ब्लॉग है एडिटिंग ब्लॉग। इसमें आप सीखेंगे फाइंड, रिप्लेस, सिलेक्ट और गो टू ऑप्शन का यूज करना। फ्रेंड्स, हमारा सबसे पहला ऑप्शन है फाइंड। फाइंड यानी खोजना। इस ऑप्शन के हेल्प से आप अपने डॉक्यूमेंट में लिखे गए किसी भी लेटर, वर्ड, सेंटेंस को खोज सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने इन 3 पैराग्राफों में साइबर वर्ड को टाइप कर दिया है। मैं फाइंड ऑप्शन के यूज से उन वर्ड को खोजता हूँ। इसके लिए सिंपली आपको अपने माउस के कर्सर को फर्स्ट लाइन के फर्स्ट पॉइंट पर रखना है, और उसके बाद जैसे ही आप फाइंड पर क्लिक करते हैं, आपके सामने फाइंड एंड रिप्लेस का विंडो ओपन हो जाता है। इसमें आपको पूछता है फाइंड व्हाट, आप क्या खोजना चाहते हैं। इसमें आप उस टेक्स्ट, लेटर, वर्ड, सेंटेंस को टाइप करें जिसे आप खोजना चाहते हैं।
तो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ और उसके बाद आपको फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा जहां भी वो वर्ड है वहां पर ये हाईलाइट हो जा रहा है। फ्रेंड, फाइंड एंड रिप्लेस के विंडो में आपको यहाँ पर रीडिंग हाईलाइट ऑप्शन शो कर रहा है। इस ऑप्शन के हेल्प से आप जिस भी वर्ड को खोजना चाहते हैं आप उसे यहाँ पर टाइप कर रीडिंग हाईलाइट पर जैसे ही क्लिक करते हैं वो वर्ड हाईलाइट हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हाईलाइट ऑल का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे ही हाईलाइट ऑल पर क्लिक करते हैं हमारे सामने जितने भी साइबर वर्ड लिखे हैं वो सारे हाईलाइट हो गए। और अगर आप इस हाईलाइट को हटाना चाहते हैं तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लियर हाईलाइटिंग पर क्लिक कर देना। और इस तरह से आप देख सकते हैं हाईलाइट किया हुआ वर्ड हट गया है। फ्रेंड्स, इस तरह से आपने सीखा फाइंड ऑप्शन का यूज करना। अब हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन जो है फाइंड के ड्रॉप डाउन बटन में जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने एक और ऑप्शन गो टू शो करता है। जैसे ही आप गो टू पर क्लिक करते हैं आपके सामने फाइंड एंड रिप्लेस का ये विंडो ओपन हो जाता है। इसमें आपको पूछता है गो टू व्हाट, आप क्या खोजना चाहते हैं, और आप यहाँ पे आसानी से उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा इतने सारा ऑप्शन दिया हुआ है, आप जिससे भी खोजना चाहते हैं आप यहाँ पर सिलेक्ट कर उसे खोज सकते हैं। मैं यहाँ पर लाइन सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आपको पूछता है आप किस नंबर लाइन पर जाना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर 5 सिलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद सिंपली आपको गो टू पर क्लिक कर देना है और क्लोज पर क्लिक कर देना है। और आप देख हमारा माउस का कर्सर 5वें नंबर पर आकर ब्लिंक कर रहा है। इस तरह से आपने सीखा फाइंड और गो टू ऑप्शन का यूज करना। अब हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन रिप्लेस ऑप्शन का यूज करना सीखते हैं। इस ऑप्शन के यूज से आप किसी भी वर्ड को दूसरे वर्ड में रिप्लेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने माउस के कर्सर को फर्स्ट लाइन के फर्स्ट पॉइंट पर लाकर रखना है। और उसके बाद जैसे ही आप रिप्लेस पर क्लिक करते हैं आपके सामने फाइंड एंड रिप्लेस का विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें आपसे पूछता है आप किस वर्ड को खोजना चाहते हैं जिसे आपको रिप्लेस करना है। तो मैं यहाँ पर फाइंड वर्ड में साइबर, और उसके बाद आपसे पूछेगा आप इस साइबर वर्ड को किस वर्ड में चेंज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे टाइप कर दे। मैं यहाँ पर कंप्यूटर टाइप कर देता हूँ। और उसके बाद आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन शो कर रहे हैं जिसमें है पहला रिप्लेस, सेकेंड रिप्लेस ऑल, थर्ड फाइंड नेक्स्ट और फोर्थ कैंसल। अगर आप बारी बारी से रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप सिंपली रिप्लेस पर क्लिक करें। और अगर आप सारे जितने भी साइबर वर्ड लिखे हुए हैं आप उसे कंप्यूटर वर्ड में चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली आपको रिप्लेस ऑल पर क्लिक कर देना है। और अगर आप फाइंड कर करके यानी देख देख कर कि किसे चेंज करना है या किसे नहीं चेंज करना है, अगर आप वैसे चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो मैं आपको बारी बारी से आप तीनों ऑप्शन से यूज करके दिखा देता हूँ। जैसे आप रिप्लेस पर क्लिक करते हैं हमारा जो पहला साइबर वर्ड लिखा है वो जैसे आप रिप्लेस पर क्लिक करेंगे वो कंप्यूटर में चेंज हो जाएगा। उसी तरह सेकेंड साइबर वर्ड अगर आप इसे भी रिप्लेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। उसी तरह अगर आप सारे साइबर वर्ड को कंप्यूटर वर्ड में चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली आपको यहाँ पर रिप्लेस ऑल पर क्लिक कर देना है। और इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा जितना भी यहाँ पर साइबर वर्ड लिखा हुआ था वो सारा कंप्यूटर वर्ड में चेंज हो गया है। इस तरह से आपने सीखा फाइंड, गो टू और रिप्लेस ऑप्शन का यूज करना। हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन जो है सिलेक्ट, इस ऑप्शन का यूज आप लिखे गए टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए करते हैं। इस ऑप्शन की यूज से आप लिखे गए टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप सिलेक्ट पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन शो करेंगे, सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग। यहाँ पे आप सिलेक्ट ऑल जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने जितने भी सारे टेक्स्ट ऑब्जेक्ट रहेंगे वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी अगर आप इस डॉक्यूमेंट में किसी अदर लोकेशन से या कोई अदर पिक्चर इंसर्ट किए हैं और आप उसे सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करना होगा। तो मैंने यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट में एक पिक्चर इंसर्ट कर लिया है, अगर आप इसे सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप सिंपली सिलेक्ट पर क्लिक करें और सिलेक्ट ऑल पर क्लिक कर दें। इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया है और यहाँ पर एक नया टैब भी आ गया है, फॉर्मेट टैब। इस तरह से आपने सीखा स्टाइल और एडिटिंग ब्लॉक के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।